सो हे डियर मैड मैक्स इज हियर। तो क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हो आप लोग, एंड स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और गाइस आज के इस वीडियो में आपका भाई आपको बताएगा कि न्यू वाला जो भी फायर वाला इवेंट और मोड आ चुका है, और यार भाई जिनको नहीं आया उनको भी आ जाएगा, तो उनको भाई आपको इसको कैसे फॉलो करना है, मतलब इस फायर को आपको कैसे मारना है, कैसे ढूंढना है, क्या मतलब आपको कि मतलब इसको एक स्टेप है यार भाई, उस स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तभी आप फायर तक पहुँच पाओगे। मारोगे या ना मारोगे वो यार बात की बात है। पहले तो यार फिलहाल के लिए ये ऊपर जा रहा है, और ये भाई फायर नहीं है, एक जो कि यार भाई बोल सकते हो कि फैरो का जो भी स्पिन आया था उसमें एक साइड आउटफिट था वो है ये, और यहाँ से भी हम ऊपर नहीं जा सकते। अब देखो आपको यहाँ पे रूट देखने मिल रहा है, और इस रूट पे थोड़े से छोटे छोटे से डॉट है, तो उस डॉट से आप ऊपर जा सकते हो। और यार ध्यान रखना कि वो डॉट पे भी बंदे हो सकते हैं। तो अब फिलहाल के लिए देखो यार भाई हम यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ से चलना है ऊपर, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। तो देखो यार भाई फिलहाल के लिए अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर जाओगे तो देखो यार आप सोच रहे होंगे कि ये दो नंबर ऊपर क्यों नहीं जा रहा, तो ये दो नंबर ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि यार भाई इसको आने तक का जो आप देख सकते हैं एक मैन है जो वहाँ से यहाँ तक आ रहा है एक टेम्पल चल चल के, तो यार भाई वो आने तक हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, हम गाड़ी इसके अंदर नहीं डाल सकते। तो फिलहाल के लिए चलते भाई इसके अंदर, और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे खड़े रहेंगे जैसे वो हमारे सर के ऊपर आ जाएगा अपन चलेंगे इसके ऊपर। सो देख सकते हो कि यार भाई हम हवा में उड़ चुके हैं और आ चुके हैं हम इसके ऊपर। अब देखो थोड़ा सा ये देखो गाइज, अब आ जाओगे इसके ऊपर, और यहाँ पे देखो यार भाई अब यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं देखने मिलेगा। अब देखो यार भाई फिलहाल के लिए आपको ऐसे कीड़ेस देखने मिलेगी जो कि आपको मारने पड़ेंगे सारे जगह पे। और यार एक ध्यान से देखना कि एक मिशन टाइप से जहाँ पे आपको हर एक क्रेट लूटनी पड़ेगी। तो देखो यार भाई हर एक लूट में और आपको लूट की काफ़ी ज़रूरत है, और ये वाली जो मेन चीज़ है ना इसका कैसे यूज़ करते हो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, और आप ही सोचोगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, जो कि यार भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसे लूट लो और जहाँ जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे देखना। तो यहाँ पे देखो यार भाई आपको कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने मिल सकती है, जैसे कि मतलब यार भाई ये पहले भी आ चुका है अगर आप पहले से गेम खेल रहे हो, बट इसमें थोड़ी सी चेंजेस आ चुके हैं, बट आपको यहाँ पे काफ़ी मिशन करेंगे। अब देखो इसके ऊपर आपको खड़े रहना, और यार वैसे जैसे ये सारी लाइन्स जलती रहेगी ना तब यार आपको एक कुछ काम करना पड़ेगा, वो बताता हूँ। पहले तो यार भाई यहाँ पे भी कोने पे इसके ऊपर भी हम खड़े हो जाते हैं, और देखो इसमें से भी एक लाइन निकल गई। अब देखो यार भाई आपको बीचों बीच यहाँ पे देखो यार बीचों बीच खड़ा हो जाना है, जैसे हम खड़े हो जाएंगे तो अपन जाएंगे ऊपर की साइड। अब देखो गाइस अपन जा रहे हैं धीरे धीरे ऊपर, और अब यहाँ पे आएगा एक मज़ा, और यहाँ पे भी आपको फैरो देखने नहीं मिलेगा, इसके आगे आपको एक फैरो देखने मिलेगा जो कि मैं आपको बता दूंगा। जैसे यार भाई देखो यार भाई हवा ववा चलने लगी है, तो वो यार फैरो अभी भी नहीं आया। अब देखो यार भाई आपको दो घर देखने मिलेंगे, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ईस्ट हाउस और यार भाई वेस्ट हाउस। तो आपको भाई पहले हम एक हाउस में चलते हैं, किसी में आपको यार भाई सेम देखने मिलेगा। बट अब देखो यहाँ पे ये नागिन वाला हमें भाई जो भी यार भाई ये इवेंट है ये पहले भी आ चुका है, वो तो यार भाई बहुत ही खतरनाक था, बट उस वाले इसमें हमें किल नहीं देखने मिल जाते थे, बट यहाँ पे हमें किल देखने मिल जाते अगर कोई दूसरे बंदे आते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए यार भाई कोई यहाँ पे आया नहीं है, इसका मतलब भाई यहाँ पे कोई आ नहीं सकता ऐसा नहीं है। यहाँ पे बंदे भी आएंगे, आपको पहले उनको मारना है फिर ये मिशन करने हैं, जो कि यार काफ़ी हार्ड जाएगा। तो ये वाले जो भी देखने मिल रहे हैं, तो देखो यार एक साइड का अपन ने क्लियर कर दिया, अब चलते हैं हम दूसरे साइड पर। और यहाँ पर देखो ये जो भी दिख रहा है ना आपको, ये सारे के सारे जो तीन लाइन्स है, ये तीन लाइन आपको सेम इसमें एक लाने हैं। अब देखो यार भाई ऊपर वाला अलग है और नीचे वाले दो अलग है। अब देखो यार भाई ये चमकने लगा, इसका मतलब ये एक सेम लाइन में आ चुके हैं। अब ये देखो ये नीचे आएगा, आपको इस क्रेट को लूटना है, इसमें भी आपको लूट देखने मिलेगी और लूट की काफ़ी ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पर हमें दो सिपाही देखने मिलेंगे, तो हमें सबसे पहले इनको मारना पड़ेगा, एक मर गया और को दूसरे को भी मारते हैं। तो गाइस इस वीडियो का क्रेडिट है यार भाई टेक टू लेटेस्ट गाइस को देखना मिल जाएगा, जिन्होंने यार भाई ये वीडियो डाली हो उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप उनका भी चेक कर सकते हो। सो देखो यार भाई फिलहाल के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे भाई लूट वगैरह जितनी हो सके उतनी लगना, क्योंकि यार भाई आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है इस चीज़ की। अब देखो हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, और अब भाई तुम देखो कुछ इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक चीज़ आपको देखने मिलने वाली है, जहाँ पे आप अगर यहाँ पे आ जाओगे ना, मतलब सारे टास्क अगर आप सही से एकदम फॉलो करोगे तब आप आ जाओगे फैरो के पास। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा गाइस फैरो, और आपको सिंपली इसे फैरो को आपको मारना पड़ेगा। बूस्ट वगैरह कर लेना, क्योंकि यार भाई ये हेल्थ करने का टाइम नहीं देता, और जो भी आपको एक स्पेशल पावर मिली है वो आप यहाँ पे फर्स्ट एड की तरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यार भाई अगर आपको ज़्यादा डैमेज पड़े और आपको ये टाइम नहीं देता है तो इसकी वजह से आप फटाफट फुल बूस्ट और फुल हेल्थ आपकी हो जाएगी। ये कवर में रह के मारना, और ये कवर तोड़ता रहेगा आपका वैसे ही, और फटाफट अगर आपकी पूरी स्क्वाड होगी तो काफ़ी जल्दी मर जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आप इस फायर को मार सकते हो,
तो हो प्यार गाइज आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर दैट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको शायद से पता चल गया होगा कि फैरो तक आने का क्या रास्ता है, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। यार भाई मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय।